जीएसटी के टैक्स स्लैब में बदलाव करने से सरकारी खजाने के बुरे दिन आए हैं। सरकारी खजाने को 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जीएसटी में संशोधन के चलते पिछले महीने के मुकाबले इस बार सरकारी राजस्व को 10,000 करोड़ का घाटा हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 27 नवंबर तक फाइल किए गए रिटर्न से सरकार को 83,346 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। ये राशि अक्टूबर में 95,131 करोड़ थी और सितंबर में 93,141 करोड़ रुपए थी। जहां सितंबर के बाद अक्टूबर में सरकारी खजाना बढ़ा था, वहीं इस बार नवंबर में सरकार को खासा नुकसान हुआ। इस बीच मद्देनजर केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBEC ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो राजस्व संग्रह में गिरावट को रोकने के लिए तत्परता से कदम उठाए। मंत्रालय का कहना है कि जीएसटी संग्रह में गिरावट की वजह कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती और जीएसटी में क्रियान्वयन में ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट परमिट सिस्टम और रिटर्न की मैचिंग को टालना है। इसके अलावा शुरुआती 3 महीनों में अंतर्राज्यीय वस्तु व्यापार पर IGST के रूप में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ था। हालांकि IGST क्रेडिट का इस्तेमाल सामान की बिक्री के बाद ही होता है, इसलिए अक्टूबर में ये गिरावट देखी गई है। GST 1 जुलाई से देश भर में लागू हुआ है। GST से जो राजस्व प्राप्त होता है उसका बंटवारा एक फॉर्मूले के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच होता है। निकिता अरोड़ा, APL।